हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई गुरुकुल। लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे हम बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमें ये सीखना है कि अगर ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। अब देखो, आपको ये लग सकता है कि पहले हम ऑक्टल को बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट कर ले एंड वापस डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर ले, या तो हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें एंड देन डेसिमल को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करें। ये लेकिन प्रोसेस हो तो सकता है, ऐसा ही तो है, लेकिन इसमें क्या है, दो स्टेप है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इसका शॉर्टकट ट्रिक कि हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू डायरेक्टली बाइनरी नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर को हम डायरेक्टली बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक हम लोग सीखेंगे। तो सपोज हमारा नंबर जो है वो 173 है, 173 ऑक्टल में, इसको हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब देखो, जो ऑक्टल का बेस है 8, 8 मतलब 2 के पावर 3 होता है, 2 का जो पावर 3, 2 क्यूब 8 होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो ये ऑक्टल नंबर है इसके कोरस्पॉन्डिंग सभी डिजिट के कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर हम लिख लेंगे। तो इसके लिए आप हमारा मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैं बताई थी कि ये 1 to 15 बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट करना होता है, ये आपको याद रखने का इजी एक प्रोसेस में बताई थी। अगर आपको याद नहीं तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर लाइक डेसिमल में अगर 0 है तो वो बाइनरी में 0 होगा, डेसिमल 1 बाइनरी भी 1 होगा, डेसिमल में जो 2 है बाइनरी में क्या होगा, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर बाइनरी में आता है 10। सिमिलरली 3 क्या हो जाएगा, 11, है ना। तो ये 4 क्या होगा, अब देखो 11 तक हो गया, 11 से 912 मतलब 12 से 99 तक कोई भी नंबर बाइनरी में नहीं आएगा क्योंकि बाइनरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। तो 11 के बाद, 11 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ 0 और 1 है, 100 100, इसीलिए 4 मतलब 100 हो जाएगा। 5 क्या होगा, यस 101, 6 क्या होगा, 110, 7 111, 8 क्या होगा, देखो अब देखो 112 से 999 तक कोई भी नंबर तो बाइनरी में नहीं आएगा, तो 8 क्या होगा, अगेन 0 और 1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब दिस विल बी 1000, है ना, 1000। तो सिमिलरली 9 हो जाएगा 1001, 10 हो जाएगा 1010। तो अगर आप 15 तक ऐसे याद रख लोगे ना तो आपके लिए कन्वर्शन इजी हो जाएगा। और अगर आपको याद नहीं है मान लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट आपको कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को फर्स्ट दिन बताई थी कि कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार। 13 का हो जाएगा 1101, 14 का हो जाएगा 1110, 15 का क्या होगा, 1111। ठीक है, ये आप कोशिश करना कि याद रह जाए, अगर नहीं रहता है तो शुरू में एक दो बार आप ऐसे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर याद हो जाएगा। तो फिर आपको जो लेंथी प्रोसेस है डेसिमल टू बाइनरी करने का, उसके थ्रू भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब डेसिमल नंबर को आपको फिर लाइक 15 है तो उसको आप 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर नोट करके आपको यहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एनीवेज, तो देखो 1 का बाइनरी क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 001। 001 क्यों, क्योंकि मैं बताई थी सभी डिजिट को कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी में कन्वर्ट करना है एंड उसमें 3 डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए। तो जहां पे 1 या 2 डिजिट है वहां पे हम लेफ्ट साइड में 0 पैड कर देंगे। अब देखो जैसे 7 है, 7 में क्या है, 7 में 111 ऑलरेडी 3 डिजिट है तो इसमें कुछ नहीं करना है, 111 लिख देंगे 7 की जगह। 3 में क्या है, 3 का है 11, तो 2 डिजिट है इसको हमें 3 में कन्वर्ट करना है, मतलब 011। सो दिस इज द बाइनरी ऑफ 173 ऑक्टल में जो दिया हुआ था। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 246 ऑक्टल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। तो देखो 2 का क्या है, 10, तो जैसे मैं बताई थी कि 2 डिजिट है इसको 3 में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, 010। 4 का क्या होगा, देखो 4 का ऑलरेडी 3 डिजिट है, 100। 6 का क्या है, 110, है ना। तो ये हो गया हमारा बाइनरी। तो इन दिस वे वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो आप ऐसे कुछ खुद से ये वाला ट्राई करके मुझे बताना कि इसका बाइनरी क्या आया। बस आपको ध्यान देना है कि सभी डिजिट को जब डिवाइड करोगे तो आप 3
तीन तीन डिजिट, उसके लिए तीन बाइनरी डिजिट लिखना है ना। तो अगर एक या दो बाइनरी डिजिट हो रहा है तो वहां पे आपको जीरो पे ऐड करना है। अब यहीं पे मैं आपको रिवर्स प्रोसेस भी बता देती हूँ। लाइक अगर आपको मान लो ऐसे बाइनरी डिजिट दी हुई है और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तब आप कैसे करोगे? इसको अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? सिंपल, इसको भी हम तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो डिवीजन आप करोगे ना, तो आप राइट साइड से लेफ्ट साइड में आना है ना। तो देखो ये तीन का एक ग्रुप बन गया, ये एक तीन का ग्रुप बन गया। 110 110 का हम देख लेते हैं यहाँ से, जो ये टेबल हमने बनाए थे अभी, 110 मतलब हमारा 6 होता है, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। सो दिस इज 66 इन ऑक्टल। एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ, 010 101 10, ठीक है ना। मान लो ये है, अब देखो इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, ये है आपका, ठीक है। तीन तीन के ग्रुप में आपको डिवाइड करना है। देखो ये तीन का ग्रुप बन गया, पीछे से डिवाइड करोगे, ये तीन का ग्रुप बन गया, ये तीन का ग्रुप बन गया, लास्ट वाले में एक ही बच रहा है, तो इसको मैं तीन दो जीरो पैड करके इसको भी तीन का बना लूंगी। अब ये क्या है, ये सिंपल वन है, तो ये वन आ गया। 101 101 मतलब आपका 5 आएगा, ये आ गया 5। अगेन नेक्स्ट इज 010 010 मतलब 010 मतलब 10 क्या है, 2, तो वही 010 सेम ही है, तो ये आ जाएगा आपका 2, और 110 मतलब 6 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके ऑक्टल में, है ना। तो अगर ये आपको बाइनरी दी हुई है, आप ऐसे डायरेक्टली उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको दो स्टेप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिमिलरली आप हेक्साडेसिमल नंबर को भी डायरेक्टली बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बस देखना है कि हेक्साडेसिमल का बेस क्या है, 16, तो 16 मतलब क्या होता है, 2 to the power 4। तो जैसे आप ऑक्टल में तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे आप सिंपली चार डिजिट चार के करना है ना। मतलब लाइक आपको अगर हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है 93D, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, ये जो सभी हेक्साडेसिमल डिजिट है 93 और डी, सभी के कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी डिजिट्स लिखना है, एंड देयर मस्ट बी 4 डिजिट्स इन ईच ग्रुप। बस ये आपको ध्यान देना है कि चार डिजिट होना चाहिए। तो जो मैं आपको अभी टेबल बताई थी उस पर आप ध्यान दो। 9 का आप देख लो क्या है, 9 का देखो 1001 होता है, तो इसमें ऑलरेडी चार डिजिट है, तो कोई टेंशन नहीं, 9 की जगह आप 1001 लिख दो। 3 का क्या होता है, 3 का होता है 11, तो इसमें दो डिजिट है, दो है, तो हम फिर क्या करेंगे, 3 की जगह लिखेंगे 0011, यस, है ना। 11 को हम 0011 लिख सकते हैं, तो उसको हमें लिखना है 0011। अब हमें देखना है कि डी में क्या होगा। डी का देखो आपको याद होगा कि ए बी सी डी और ई एंड एफ, ये 6 कैरेक्टर हेक्साडेसिमल में आता है। ए मतलब डेसिमल में 10 होता है, बी 11, सी 12, डी होता है 13, ई होता है 14 एंड एफ 15, है ना ये। अब देखो 10 का बाइनरी क्या होता है, ये मैं अभी आप लोगों को ये जो टेबल बनवाई थी इसमें समझाई थी कि 10 का बाइनरी क्या है, 1010। सिमिलरली 11, तो ये आपको नोट कर लेना है कि 10 11 12 13 14 मतलब हमारा एबीसीडी ईएफ है। तो 10 हो गया 1010, यहीं से हमें पता लग जाएगा कि 11 1011, 12 इज 1100, 13 1101, 14 1110 एंड 15 इज 1111, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डी, डी मतलब क्या, 13, 13 का बाइनरी क्या है, 1101, इसमें ऑलरेडी चार डिजिट है, तो नो इश्यू, तो इसको हम ऐसे लिख दिए। तो ये हमारा डायरेक्टली हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही मान लो 245 है, इसको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, ये बहुत सिंपल है। 2 4 और 5, 2 का क्या होता है, टेबल में आप देख लेना, 2 का होता है 10, है ना, दो डिजिट है, तो इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 0010। 4 का होता है 100, इसको भी 4 में कन्वर्ट करना है, तो हमें लिखना है 0100, ठीक है। और 5 का क्या होता है, 101, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 0101। तो इन दिस वे वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। अब देखो सपोज हमें ऐसे नंबर बाइनरी नंबर दी हुई है और इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अगेन सेम प्रोसेस जैसे हम ऑक्टल को बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किए थे, वैसे ही हम बाइनरी को हेक्स में कन्वर्ट करेंगे। बस यहाँ पे हमें चार चार की ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप हम पीछे से बनाएंगे। देखो ये चार की ग्रुप बन गया, ये चार की ग्रुप बन गया, यहाँ पे क्योंकि दो डिजिट है, तो यहाँ पे दो जीरो ऐड करके ये चार की ग्रुप बन गया। अब हमें अगेन उस टेबल को ही रेफर करना है, तो 10 मतलब 2 होता है,
100 है ना, मतलब 4 होता है, 101 मतलब 5 होता है। तो ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल में। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। लाइक ये है 100 000 011 011। चार चार की ग्रुप बना लो आप, सबसे पहले पीछे से चार चार की ग्रुप बना लिए। यहाँ पे दो है तो हम दो जीरो ऐड कर दिए। तो देखो 10 मतलब 2 हो गया, 11 मतलब हाँ 3, 1011 क्या होता है, अभी देखो हम यहाँ पे लिखे थे 1011, ये दिस इज 1011, तो ये क्या है 11 मतलब बी। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, बी, तो इसके जगह हमें बी लिखना है। तो इन दिस वे वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आप और सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई डाउट हो तो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।